कोरोना संक्रमण के बीच गुरुवार को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाए जाने वाले आतंकवाद विरोधी दिवस पर एडीजी कार्यालय में एडीजी दवा शेरपा ने अपने कर्मचारियों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई। एडीजी दवा शेरपा ने आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाते हुए कहा कि हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा और सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं और निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव और सूझबूझ कायम रखने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ लेते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी दवा शेरपा ने कहा, अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सब प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनवादी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं। आज 21 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। आपको याद होगा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि भी है। इसमें विशेष करके जो आतंकवाद जिस रूप में भी देश में, प्रदेश में, हमारे समाज में जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं, उसके विरोध में सब सर्व समाज को, सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर उसे उसका पुरजोर विरोध करने और उसे लड़ने की हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं, जो आज हम लोगों ने भी यहाँ पर उस कार्यक्रम को संपन्न किया है। सर, खासकर युवाओं से क्या कहेंगे, जो इस तरह कायम है कि आतंकवाद की तरफ भाग रहे हैं, युवा वर्ग को क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी युवा वर्ग का ही है, क्योंकि ये थोड़ा फैशनेबल लगता है, एकदम स्टाइलिश दिखता है बंदूक लेके दिखना, और मतलब चलन में लगता है कि थोड़ा हीरो स्टाइल का मामला दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं। एक बार ऐसे किसी भी संगठन के साथ जुड़ने के बाद फिर वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मुश्किल होता है कि वहाँ से निकलने जैसे करे तो वह आतंकवादी ही मर देगा। अब हमारी सुरक्षा बलों के साथ जब भी मुठभेड़ होगा या कोई कार्रवाई होगी तो कुल मिला के वो एक ऐसे एरिया में घुसना होता है कि जहाँ से फिर वापस आना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए युवा वर्ग को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि देखिए, डेमोक्रेटिक देश में अपनी बात कहने को, अपनी चीज़ों को सामने रखने के लिए पूरी आज़ादी है, छूट है, यहाँ कोर्ट कचहरी पूर्ण रूप से यहाँ सक्षम है न्याय देने के लिए। तो ऐसे में हथियार के बलबूते पर, आतंकवाद के बलबूते पर कुछ चीज़ हासिल करना चाहें, ये बहुत सही भी नहीं है और हमने सफलता भी नहीं देखी है।